हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों आज के दोपहर के स्टडी जीके के इस स्पेशल क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं कुमार संभव आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके करवाने जा रहा हूं। लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज ऑन स्टैटिक जीके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने किए थे टॉप 50। आज हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके। तो यहां पर जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के लिए चुना है, एमसीक्यूज को आप सभी के लिए चुना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप सभी के लिए चुना है। तो आइए पार्टिसिपेट करिए, और ये रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे एएलपी एग्जाम्स के लिए, और तमाम ऐसे एग्जाम्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहां पर जहां पर स्टैटिक जीके आने की संभावना बनी रहती है, वहां के लिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमने एपिसोड में 50 क्वेश्चंस किए थे, वो जरूर देखिएगा आप, और यहां पर आज हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, और मैं अपने ही अंदाज में सभी को बोलता हूं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते नमस्कार। और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। राजेश अग्रवाल जी, हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एंड रोहित सिंह भंडारी जी, आपका और सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जैसा लास्ट लेक्चर में आप सभी ने बहुत ही खूब पार्टिसिपेट किया था, मोर देन 100 स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर अटेंड हुए थे, तो आज भी आपको यही करना है, क्योंकि क्विज का सेशन चलेगा, क्वेश्चन आंसर्स का दौर चलेगा, तो यहां पर जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चंस के अंदर इस लाइव स्ट्रीम को देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जितने अभी हमारे इस सेशन को लाइव सुन पा रहे हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ जाएं और टॉप 30 क्वेश्चंस के सफर पे चलते हैं, जहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और तमाम उन एग्जाम्स के लिए जहां पर स्टैटिक जीके आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो अगेन राजेश अग्रवाल जी, और चलिए, और कुमारन पिल्लई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी में रिपीट करूंगा, तो यहां पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डैश डे वॉज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 12th January। आपको बताना है कि 12 जनवरी को पूरे विश्व भर के अंदर और इंडिया के अंदर कौन सा डे मनाया जाता है, 12 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल यूथ डे, या वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। मतलब आपको बताना है कि इंडिया के अंदर 12 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 12th जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और लगे हाथ आप इसका कारण भी बता दीजिएगा कि क्यों किया जाता है, या किसी का जन्मदिवस हो सकता है या कोई खास कारण हो सकता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। एग्जैक्टली, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और शाह तस्लीमा, प्रेरणा, रैम्बो, बहुत अच्छा नाम, राजेश अग्रवाल, साथिका, बहुत बढ़िया, सभी यहां पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और जितने स्टूडेंट्स हैं वो सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। तो सी क्यों है ये आंसर, इसका कारण भी बताते जाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी, देखते हैं कि ये राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन रीजन भी जरूर बताइए यहां पर। चलिए, प्रेरणा गुप्ता जी का पहला उत्तर यही आया कि इसका कारण है कि यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, तो खैर देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। और यहां पर जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का उत्तर बाखूब आ रहा है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस एफर्ट का। इसी तरह से 29 क्वेश्चंस और रह चुके हैं, आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और इस सफर पे हम चल पड़ते हैं, जहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिस भी तरह का एग्जाम हो, लेकिन रेलवे और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत जरूरी है टॉप एमसीक्यूज। और बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर इज सी, दैट इज नेशनल यूथ डे, मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, तो इस वजह से नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज नेशनल यूथ डे ऑन 12th January। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाय द प्रेसिडेंट एनविसेज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, इनमें से किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का एक शक्ति दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सके। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इनविसेज्ड और मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 32, आर्टिकल 123, आर्टिकल 110 या आर्टिकल 124, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, रन कश्यप जीत जी, हेलो टू ऑल ऑफ यू, जीत पटेल, लकी झा,
जॉनी बहुत बढ़िया, अनुसुईया सरकार, अनिल कुमार, काजल राणा, रैम्बो, आप सभी यहां पर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रेरणा गुप्ता जी का आंसर आ चुका है पहला, जॉनी का भी आ चुका है, शिखा का भी आ चुका है, अनिल, काजल, गौरव, प्रेरणा, गौरव, शिखा, लकी झा, शाह तस्लीमा, आप सभी का उत्तर आ रहा है। देखिए कई उत्तर जो है, ज्यादातर उत्तर बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ए भी बोल रहे हैं। देखते हैं, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो तो यहां पर राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि वो 6 महीने के लिए एक टेम्पररी कानून बना सकते हैं, बाद में लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी ली जा सकती है। अध्यादेश बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? तो एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। तो 123 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बिल्कुल सही उत्तर सेकंड का बी आंसर। तो बहुत बढ़िया, यहां पर विकास, राजेश, अशोक साहू, हिमबंधु बेहरा, बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र सिंह, आप सभी यहां पर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन करना है, इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके और इस लाइव स्ट्रीम का भरपूर फायदा उठा सके। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इशूइंग ऑर्डर और कमांड टू पब्लिक अथॉरिटी, इनमें से कौन सा रिट, इसमें इनमें से कौन सी याचिका जो है वो सरकारी अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को आदेश जारी करती है? तो रिट ऑफ मेंडमस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ कुओ वरंटो या सर्टियोरारी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट इशू किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिट जो है वो कमांड और ऑर्डर इशू करता है किसको, पब्लिक अथॉरिटी को, मतलब सरकारी ऑफिसर्स को और सरकारी ऑफिसेस को, पब्लिक अथॉरिटी को, इनमें से कौन सा रिट जो है वो ऑर्डर और कमांड आदेश इशू करता है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और यहां पर अश्विन जी का भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। जॉनी मोरिया जी, आप रेगुलर व्यूअर हैं, इसी तरह से लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कौमिला हीर हमारे साथ जुड़ चुकी है, अशोक साहू, दीपक पाल, हिमबंधु। तो उत्तर आ रहा है यहां पर, चलिए, ऑर्डर, ऑर्डर आदेश, ऑर्डर और कमांड। यहां पर उत्तर जो है शायद आ रहा है, शायद कोई सी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, और शायद उत्तर आ रहा है, कोई ए भी बोल रहा है यहां पर। तो देखते हैं यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो फंसा दिया मैंने आपको यहां पर, लास्ट एपिसोड में भी बच्चे बोल रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, और जब क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहे तो बच्चों को लगा कि नहीं ये लेवल है। तो देखिए इजी कब लगता है, जब क्वेश्चन आपको आता है। जीके का सिंपल रूल और क्विज का सिंपल रूल अगर आपको आता है तो वो आसान, नहीं आता है तो सबसे डिफिकल्ट। तो इसका राइट आंसर, चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट कुओ वरंटो, नॉट हेबियस कॉर्पस, द राइट आंसर इज मेंडमस। मेंडमस इज अ लैटिन टर्म, मेंडमस एक लैटिन भाषा का टर्म है, शब्द है, जिसका मतलब ही होता है ऑर्डर और कमांड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक मैंने 3 बजे की क्लास में करवाया था आप लोगों को, और मेंडमस का लिटरल मतलब ही होता है कि सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इंफीरियर कोर्ट को या पब्लिक कोर्ट को या पब्लिक ऑफिसेज को, अथॉरिटी को एक आदेश पारित किया जाता है कि आप अपना काम करिए। तो बिल्कुल सही उत्तर यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है। और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज रिट ऑफ मेंडमस, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु रोट द बुक व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर नाम की किताब को किसने लिखा, और व्हाइट टाइगर नाम की किताब बहुत फेमस, जिसको मैन बुकर प्राइज भी मिला। व्हाइट टाइगर एक किताब का नाम है, हु रोट द बुक व्हाइट टाइगर, इसमें से बताना है कि कौन से राइटर ने व्हाइट टाइगर नाम की बुक को लिखा, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा, किरण देसाई या विक्रम सेठ। और इस किताब को दुनिया का प्रतिष्ठित अवार्ड भी दिया गया था और उस अवार्ड का नाम था मैन बुकर प्राइज। व्हाइट टाइगर नाम की किताब को किसने लिखा, बहुत बढ़िया। रवि जी, मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहां पर हिंदी में क्वेश्चन ना देने का कारण ये है ना कि 30 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन और आंसर मिलाकर 60 स्लाइड्स बन जाते हैं, और हिंदी में अगर हम देंगे और इंग्लिश दोनों में देंगे तो मोर देन 120 स्लाइड्स बन जाएंगे और आधे घंटे एक घंटे में ये शो नहीं खत्म हो पाएगा। इसी वजह से इंग्लिश जो एक ऐसी लैंग्वेज है कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन सभी समझ सकते हैं, और हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, अनुवाद कर देता हूं, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। तो हु रोट द बुक व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर नाम की किताब को किसने लिखा, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा, किरण देसाई या विक्रम सेठ, ABCD, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर। और अश्विन जी,
अश्विन जी हाँ, अपने नाम का भी शॉर्ट फॉर्म रखा है और यहाँ पर ए ए आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल, और देखते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं लेकिन कुछ ए भी बोल रहे हैं और कुछ किरण देसाई वाला ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं, लेकिन राइट आंसर इज अरविंद अडिगा. अरविंद अडिगा इज द राइट आंसर. 2008 में अरविंद अडिगा को मैन बुकर प्राइज मिला था, दुनिया का प्रतिष्ठित साहित्य का पुरस्कार दिया गया था इनको. और किस किताब के लिए मिला था? व्हाइट टाइगर नाम की बुक के लिए इनको मिला था. तो व्हाइट टाइगर के ऑथर का नाम अरविंद अडिगा. तो आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ. सत्यमेव जयते. देखिए सत्यमेव जयते बहुत ही फेमस टर्म, आप लोगों ने सुना भी होगा. सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद. सत्यमेव जयते को इनमें से किस उपनिषद से लिया गया है? यह बहुत ही फेमस पिट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है. तो सत्यमेव जयते को हमने किस उपनिषद से लिया है? मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रसन्ना उपनिषद या मैत्री उपनिषद? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और यहां पर उत्तर आना शुरू हो चुका है. हेमंत मित्तल जी गुड आफ्टरनून, आपको बहुत बहुत नमस्कार. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी आज के इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें और इस लाइव स्ट्रीम का भरपूर फायदा उठा सकें और हेल्दी पार्टिसिपेशन आप सभी के साथ बन सके. तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? नितिन कुमार, अनिल कुमार, राजेश, नुसरत यहां पर आंसर दे रही है. नुसरत जी, शालिनी जी वो बहुत अच्छा आंसर कर रही है यहां पर, बहुत खूब. और चलिए सफीकुल इस्लाम, नितिन कुमार, राजेश, रैम्बो, शारदा मीना, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पे. कौमिला हीर, चलिए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सत्यमेव जयते जो बहुत हम लोगों ने सुना हुआ है. अशोक स्तंभ के नीचे भी, हमारे साइन के नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा होता है. सत्यमेव जयते जो है मतलब सत्य की हमेशा जय हो, वो कहां से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है. तो पांचवें का राइट आंसर इज ए. छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब विश्व जल दिवस जो है इनमें से किस दिन को मनाया जाता है? 22 मार्च, 18 जुलाई, 4 फरवरी या 17 नवंबर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? छठे क्वेश्चन का, सिक्स क्वेश्चन का आंसर यहां पर आना चाहिए. एमी सैनी, रवि, लकी झा, राजेश, बहुत बढ़िया. अनामिका कुमारी, पुष्पेंद्र सिंह, पार्थो, चलिए बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पर. निक पचौली, रन कश्यप जीत, गौरव कुमार शर्मा, जितने भी स्टूडेंट्स के मैं नाम ले रहा हूं मैं उनसे खैर उम्मीद करता हूं, और जितने स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो मैं नाम लेने की कोशिश बिल्कुल करूंगा. हमारे पास 24 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप आज के इस लाइव सेशन को, लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें. जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था, इसी तरह से आपको और लोगों को जोड़ना है. प्रवीण बेहरा, ऋचा सिंह, एमी सैनी, राजेश अग्रवाल, रन कश्यप जीत, जॉनी, काजल राणा, राजेश अग्रवाल, बहुत बढ़िया यहां पर. दीपक पाल, सौरव रॉय, सौरव डे, नितिन कुमार, सभी का उत्तर जो है बहुत सही, बहुत खूब यहां पर आ रहा है. चलिए तो बहुत खूब यहां पर. सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर इज अगेन ए, दैट इज 22 मार्च. वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है. आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, इसमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने किताब लिखी इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम नाम की बुक को इनमें से कौन से लेखक ने लिखा, कौन सी पर्सनैलिटी ने लिखा? महात्मा गांधी, माइकल एंडरसन, विंस्टन चर्चिल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब को कौन से राइटर ने लिखा है? बहुत बढ़िया यहां पर. चलिए पुष्पेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और यहां पर चलिए बिल्कुल सही यहां पर सारे क्वेश्चन जो है आने आंसर्स आ चुके हैं. सैफिकुल इस्लाम जो है यहां पर आंसर दे रहे हैं. अरविंद बिंदु जो है ए आंसर कर रहे हैं. रणकश्यप जी डी बोल रहे हैं. हेमंत मित्तल डी, प्रवीण बेहरा, पटेल धमी, नुसरत जस्टिन, ऋचा सिंह, अनिल कुमार, गौरव कुमार शर्मा, अनामिका कुमारी, शिखा शर्मा, शाह तस्लीमा, बहुत बढ़िया यहां पर, बहुत खूब सभी का उत्तर आ रहा है. पार्थो, कौमिला हीर, काजल राणा, बहुत खूब यहां पर आंसर आ रहा है सभी का. और सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत ही फेमस क्रांतिकारी जिन्होंने किताब लिखी इंडिया विंस फ्रीडम. और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे, भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद. और ये कोई और नहीं, फेमस एक्टर, फेमस अभिनेता आमिर खान के परदादा हैं ये थे. मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द
great grandfather of Mr. Aamir Khan, Mr. Perfectionist. इसी वजह से आमिर खान ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम आजाद रखा है. आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ. Which day is celebrated on April 10 every year? इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को हर साल 10 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस या वर्ल्ड फोटोग्राफी डे? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा आठवें क्वेश्चन का. बहुत बढ़िया रन कश्यप जी, इसी तरह से चलते रहिए और आप जो है पेपर को जरूर क्लियर करिएगा. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए इसी तरह से अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहेंगे तो हमारे लिए ये सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएंगी. और आपको इसी तरह से जुड़े रहना है. और इस सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जमकर लाइक भी करिए, शेयर भी करिए लाइव स्ट्रीम को, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके. और यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है. ऋचा सिंह, हेमंत मित्तल, बहुत बढ़िया सभी का उत्तर यहां पर आ रहा है. और तारिक रसूल, रविंद्र नाथ, राजेश अग्रवाल, पटेल, अशोक साहू, पूजा, जीआईएस एकेडमी, लकी झा, प्रवीण मेहता, अनिल कुमार, बहुत बढ़िया सभी का उत्तर यहां पर. और एग्जैक्टली वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को. और इनके फादर ऑफ होम्योपैथी किन्हें कहा जाता है? जर्मनी के बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सैमुअल हैनमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है. उन्होंने होम्योपैथी की खोज करी थी. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 अप्रैल होम्योपैथी डे. और इनके फादर और फाउंडर कौन? तो जर्मन के बहुत बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट, उनका नाम डॉक्टर सैमुअल हैनमैन. आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ. हु इज द राइटर ऑफ द बुक गाइड? गाइड नाम की किताब, और गाइड के ऊपर मूवी भी बनी थी देवानंद साहब की, बहुत ही फेमस मूवी. तो गाइड नाम की किताब के लेखक का नाम बताइए. हु इज द राइटर ऑफ बुक गाइड? गाइड के लेखक का नाम बताइए. मुंशी प्रेमचंद, रमन, मैक्स मुलर या आर के नारायण? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. गाइड नाम की किताब के लेखक का नाम बताइए. हु इज द राइटर ऑफ बुक गाइड? बहुत खूब यहां पर सभी का पार्टिसिपेशन जो है बहुत बढ़िया आ रहा है. चलिए पुष्पेंद्र सिंह, ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर्स के दो एपिसोड हम यहां पर ला चुके हैं और ऑडियंसेस का, व्यूअर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. आप प्लेलिस्ट में जाकर, स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाकर उन दो एपिसोड्स को जरूर देख सकते हैं बुक के ऊपर. और एग्जैक्टली यहां पर डी ऑप्शन को बच्चे टिक कर रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर, डी इज द राइट आंसर. नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज आर के नारायण. मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड नाम की बुक को किन्होंने लिखा? फेमस राइटर आर के नारायण ने लिखा. आगे चलते हैं दसवें क्वेश्चन की तरफ. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, आरती सिन्हा या मालविता पूर्ण? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. इनमें से कौन सी लेडी प्रथम लेडी बनी भारत की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा. बहुत बढ़िया, राजेश अग्रवाल, कौमिला हीर, शालिनी साहू, शालिनी शानू, बहुत बढ़िया आपका उत्तर. शारदा मीना, निक पचौली, पटेल, असलम खान, अनामिका, रोमन सिंह, शालिनी पटेल, दीपक पाल. चलिए बहुत बढ़िया, रोमन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. करणजीत सिंह, लकी झा, नवीन पंघल, बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं. रफीक भट्ट, राजेश अग्रवाल, अनिल कपूर, अनिल कुमार, और बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पर आ रहा है. मिला जुला आंसर आ रहा है, कोई बी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ए बोल रहे हैं. और राइट आंसर इज एग्जैक्टली ए. तो बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. इंडियन वुमेन मतलब पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चली. दुनिया की पहली महिला कौन थी? जुन्को तबई. दुनिया की पहली महिला कौन थी? जुन्को तबई. लेकिन भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल. और आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ. फ्रॉम वेयर द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स? मतलब इनमें से किस राज्य से गोदावरी, जिसको साउथ की गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी रिवर जो है इनमें से कौन से राज्य से बहती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है? आपको बताना है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर. मतलब गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, साउथ की गंगा भी कहा जाता है, बहुत ही फेमस नदी ये. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य से ये ओरिजिनेट होती है, कहां से इसका उत्थान होता है, जल्दी से बताइएगा 11th क्वेश्चन का आंसर. चलिए
बहुत बढ़िया यहाँ पर सभी का पार्टिसिपेशन, और मैं बार बार एक ही वर्ड बोलूंगा यहाँ पर, मुझे भी बोलना पड़ता है, और वो चीज क्या है कि लाइक करिए, शेयर करिए लाइव स्ट्रीम को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें और ये सफर जो है और अच्छा बने, जहां पर हेल्दी पार्टिसिपेशन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आए। आपको क्या करना है, लाइव स्ट्रीम को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के ऊपर, तमाम फ्रेंड्स को बुलाइए, इन्वाइट करिए कि भैया आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्विज चल रहा है और बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और 11th क्वेश्चन का आंसर भी आना शुरू हो चुका है और अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, महाराष्ट्र को टिक कर रहे हैं, और मेरी स्टूडेंट और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, और देखते हैं 11th क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से ओरिजिनेट होता है गोदावरी रिवर, और गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको क्या याद रखना है कि गोदावरी कहां से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। और 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी जो है असम के अंदर बहुत ही फेमस शहर, गुवाहाटी वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। 12वें क्वेश्चन का आंसर, 11th का महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही उत्तर, और आपको 12th का सही उत्तर देना है। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह से गलती करेंगे तो सीखेंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा गलत हुआ और उसको कैसे ठीक करना है। तो बिल्कुल यहां पर सभी का उत्तर जो है बहुत सही आ रहा है, और आपको क्या बताना है कि गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गुवाहाटी कौन से नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी? और इसका उत्तर भी आना शुरू हो चुका है, और बहुत खूब सभी स्टूडेंट्स का उत्तर यहां पर बहुत जल्दी जल्दी यहां पर उत्तर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, और बिल्कुल राइट उत्तर, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज ब्रह्मपुत्र। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, लेकिन वो इक्के दुक्के हैं, आप सही कर सकते हैं, और यहां पे राइट आंसर देखिए और उसको सही करिए, जरूर सही करिए। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। आपको बताना है कि लक्षद्वीप जो है उसके अंदर कितने आइलैंड्स है, कितने आइलैंड का ग्रुप है, कितने द्वीप का ग्रुप है, 36, 30, 35 या 34? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और तमाम स्टैटिक जीके के अंदर ये पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल मोहम्मद डार जी, ये रोज होता है स्टैटिक जीके, 3 बजे की क्लास होती है जहां पर दीपक सर भी आते हैं, मैं भी आता हूं और तमाम टीचर्स आते हैं रीजनिंग भी कराने, और अलग अलग टॉपिक चलते रहते हैं, तो आप जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं जरूर बोलूंगा कि आपको क्या करना है, तो इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और यहां पर कुछ स्टूडेंट्स 34 भी दे रहे हैं, कुछ 35 भी बोल रहे हैं, और ज्यादातर जो है 36 बोल रहे हैं, तो मैं जो है ऑडियंस के साथ जाऊंगा, और ऑडियंस जो है बिल्कुल सही, 36 इज द राइट आंसर। 13 का राइट आंसर इज ए, दैट इज 36। 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, ठीक है। पुराने जमाने में लाखों द्वीपों का समूह था। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, संस्कृत का वर्ड है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, द्वीप का मतलब आइलैंड। तो पुराने जमाने में ये लाखों द्वीपों का समूह था, लेकिन आज ये सिमट कर 36 द्वीपों का समूह रह गया है। तो यहां पे राइट आंसर इज 36, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर, बिटवीन विच रेंजेस डज द कश्मीर वैली इन द हिमालयाज लाई। आपको बताना कि कश्मीर घाटी जो है वो कौन से रेंजेस के बीच में स्थित है, हिमालय पर्वत के ऊपर, हिमालय श्रृंखला के ऊपर, ये कौन सी दो रेंज के बीच में है, शिवालिक और पीर पांजाल लेक मतलब रेंज, या पीर पांजाल या धौलाधार रेंज, या जांस्कर एंड पीर पांजाल लेक, या धौलाधार या जांस्कर? तो आपको बताना है कि किन दो रेंज के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी, हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर। बिटवीन विच रेंजेस डज द कश्मीर वैली इन द हिमालयाज लाई, ए बी सी और डी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। रविंद्रनाथ जी, यहाँ पर जो मेरा एक पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी इन सभी की क्लासेस लेता हूँ। साइंस का जो फील्ड है वो मेरे के अंदर नहीं है, तो पीएच वैल्यू और तमाम साइंस की क्लासेस जो है अलग फैकल्टी, अलग टीचर, अलग एक्सपर्ट जो है वो आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। और 14th क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए यहाँ पर, और अलग अलग उत्तर आ रहा है यहाँ पर, और मोहम्मद शफी डार जो है वो सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, तो देखते हैं सी ऑप्शन राइट है कि रॉन्ग है, कहीं ए भी बोल रहे हैं,
और कई सी बोल रहे हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, अब तो बी उत्तर भी आ गया है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सी के साथ जा रहे हैं, तो मैं भी सी के साथ जाऊंगा। तो 14th का राइट आंसर इज सी, दैट इज जांसकर एंड पीर पांजाल रेंज। तो बिल्कुल, और 14th का राइट आंसर इज सी, जांसकर एंड पीर पांजाल। तो बिल्कुल सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स का, लेकिन जो बी और ए बोल रहे थे प्लीज अपने आप को सही कर लीजिए। 15th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारिस्का नेशनल पार्क इज इन कौन से स्टेट में है? सारिस्का नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान या आसाम? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि लास्ट एपिसोड में आपने 100 से ऊपर ले गए थे इस व्यूअरशिप को, और आज भी 30 टॉप MCQs को 100 से ऊपर लेकर जाइए। तमाम उन स्टूडेंट्स को नोटिफाई करिए जो हमारे साथ जुड़ सकें और इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो जल्दी से आपको लाइव स्ट्रीम को शेयर करना है उन स्टूडेंट्स के साथ जो लाइव सेशन के अंदर जुड़ सके। बाद में तो देखेंगे, लेकिन लाइव में जुड़ना बहुत उपयोगी हो जाता है यहां पर। और यहां पर अगेन आंसर आना शुरू हो चुका है 15th का, और 15th का आंसर जो है कई स्टूडेंट्स जो है राजस्थान दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ए क्यों बोल रहे हैं यहां पर? 15th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए बोल रहे हैं, कई डी बोल रहे हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तुक्के नहीं मारने हैं, ब्लाइंड गेस नहीं करना है, मतलब माता रानी का नाम लिया और कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया, ऐसा मत करिए प्लीज। और 15th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो एग्जैक्टली राजस्थान है। सारिस्का नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। सारिस्का नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, वेस्ट बंगाल या असम के अंदर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चंस और रह चुके हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिए, इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं, दुधवा नेशनल पार्क इज इन, दुधवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? राजस्थान, केरला, यूपी या कर्नाटका? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान वॉज द राइट आंसर। सारिस्का नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, लेकिन अब आपको बताना है दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। राजेश अग्रवाल, अंशित श्रीवास्तव, रविंद्र नाथ और भास्कर ढाक, चलिए राजीव वर्मा, अशोक साहू, कौमिला हीर, प्रीतम कुमार यादव, लकी झा, पटेल धरूमी, प्रेरणा गुप्ता, ऋचा सिंह, सांबल अभिषेक, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पे। अमित रंजन रॉय, नितिन कुमार, चलिए बहुत बढ़िया यहां पर उत्तर आ रहा है। और एग्जैक्टली ये उत्तर सभी का सही है, और दुधवा नेशनल पार्क इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। तो 16 का बिल्कुल सही, सभी ने यहां पर राइट आंसर दिया है बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर 16th क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश। और यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए ये ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं नेशनल पार्क, आप प्लेलिस्ट में जाइए, 102 एपिसोड हो चुके हैं रेलवे एग्जाम के ऊपर, स्टैटिक जीके के ऊपर, और ये सभी क्लासेस हम ले चुके हैं। और यहां पर आप पिछले एपिसोड में जाकर डिटेलिंग देख सकते हैं, और एमसीक्यू के माध्यम से टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, और डिटेलिंग आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, कान्हा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? आपको हिंट दे देता हूं, इस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जंगल है भारत के अंदर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जिस राज्य में है उसी राज्य में है कान्हा नेशनल पार्क। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत बढ़िया, और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आपको लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें, और इस लाइव स्ट्रीम के अंदर और पार्टिसिपेंट्स जो है वो बढ़ सकें, और इसके अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, और एग्जैक्टली राइट आंसर जो है वो बिल्कुल आना शुरू हो चुका है, और राइट आंसर इज एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी का दिल देखो। तो ये एड जो आता है ना इनक्रेडिबल इंडिया का, वो बहुत अच्छा एड आता है, और उसके अंदर वो जंगल को दिखाते हैं, तो एमपी के अंदर भारत का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी है। और कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में। 17th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। 18th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये सबको पता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी पता है, लेकिन यूटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 7 यूटी है, आपको बताना है सबसे बड़ा यूटी कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। जल्दी उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पेपर में जरूर पूछा जाता है। एग्जैक्टली यहां पर
उत्तर आना शुरू हो चुका है. राजेश अग्रवाल जी, शारदा, मीना जी, बलराम, पुष्पेंद्र, प्रीतम, पटेल, बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर यहां पर आ रहा है. आप सभी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एग्जैक्टली चलिए बहुत बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पर. चलिए बहुत खूब, यहां पर सभी स्टूडेंट्स का उत्तर जो है आना शुरू हो चुका है. चलिए, और राइट आंसर इज एग्जैक्टली बी, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और 19वां क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया. क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा यूटी कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए. दिल्ली, अंडमान, निकोबार, पुडुचेरी या लक्षद्वीप. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. एग्जैक्टली निक जी बिल्कुल सही, कुमारन पिल्लई, शिखा, अनीस उल रहमान, सुशांता साहा, ऋचा सिंह, अतुल जी, अनीस उल रहमान, रविंद्र नाथ, संजीत कुमार, आप सभी सही हैं. और आपको यहां पर बताना है 19th क्वेश्चन का आंसर, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया. तो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा यूटी कौन सा है? दिल्ली, अंडमान, पुडुचेरी या लक्षद्वीप. और यहां पर बिल्कुल ऑप्शन आने शुरू हो चुके हैं, राइट आंसर आना शुरू हो चुका है. कई दिल्ली भी बोल रहे हैं, कई यहां पर पुडुचेरी भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं. और 19th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज लक्षद्वीप इज द राइट आंसर. 19th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज लक्षद्वीप. आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ. 10 और क्वेश्चन रह गए, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है 100 पूरा करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे 3 बजे की इस क्लास के अंदर. हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज का नाम बताइए. हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कमला सोहिनी, माइकल ऑडिन, सोफिया ब्रायंट या एम फातिमा बीबी. आपको जल्दी से इसका उत्तर देना है. हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. रन कश्यप जी बिल्कुल सही हैं आप, निक पचौली, शाह तस्लीमा, कुमारन पिल्लई, ऋचा सिंह, प्रीतम कुमार यादव, अनीस पटेल, ध्रुमिल, कुमारन पिल्लई, प्रेरणा गुप्ता, एमी आनंद, शिखा, रविंद्र नाथ, पुष्पेंद्र, कौमिला हीर, काजल राणा, गौरव कुमार, जीशु मिश्रा, राजेश, अमित पांडे, दीपक पाल, बलराम, अनीस उल रहमान, गौरव कुमार, लकी झा, बहुत उत्तर, सुखविंदर इसेवाल, बहुत बहुत स्वागत है सुखविंदर जी आपका यहां पर, रफीक, बहुत बढ़िया उत्तर, पार्थो, अरविंद राठौर, बलराम बहेरा, बहुत खूब यहां पर सभी का उत्तर यहां पर आ रहा है. हेमंत मित्तल, पूजा, काजल राणा, सुखविंदर, मोहम्मद शफी डार, पार्थो, हेमंत मित्तल, देवाशीष, दीपक अग्रवाल, अशोक साहू, संजीत कुमार, दीपक अग्रवाल, जॉनी मोरिया, बहुत खूब आप सभी का उत्तर. और 20th का राइट आंसर इज डी, दैट इज मीरा साहिबा फातिमा बीवी इज द राइट आंसर. 20th का राइट आंसर इज डी, एम फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज. और हु वॉज द ओनली चीफ जस्टिस हु आल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, चीफ जस्टिस का नाम बताइए, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वो, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए. गोपाल बल्लभ पटनायक, के जी बालकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला या राजेंद्र मल लोढ़ा. तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा आप. 21st का, हु वॉज द ओनली चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. एग्जैक्टली, चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. रन कश्यप जीत का उत्तर आना शुरू हो चुका है यहां पे, पटेल का, अमित रंजन, कुमारन पिल्लई, प्रेरणा गुप्ता, जीशु मिश्रा, राजेश अग्रवाल, संजीत कुमार, बहुत बढ़िया आप सभी के नाम जो है, नवीन पंघल, मोहम्मद शफी डार, दीपक अग्रवाल, सुशांता शाह, बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पर आ रहा है. और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति के तौर पर एक्ट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला ने, बिल्कुल सही उत्तर. 22nd क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. व्हेन वी अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को कब अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे को, नेशनल फ्लैग को, कौन से तारीख और कौन से ईयर को अडॉप्ट किया गया था? ए, बी, सी और डी, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और बहुत जई, राहुल जांगड़ा, निक पचौली, धीरेन्द्र चौधरी, शिखा महाता, शाह तस्लीमा, सुशांता साहा, राहुल जांगड़ा, बहुत बढ़िया, प्रीतम कुमार यादव, मनसा मलवरम, बहुत बढ़िया आपका भी आंसर, एमी आनंद जी, बहुत खूब आपका उत्तर बहुत बढ़िया आया है, जॉनी, शिखा,
चलिए बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बहुत बढ़िया। इसी के साथ 8 क्वेश्चंस और रह गए, इसी तरह से पार्टिसिपेट करिए और 100 का आंकड़ा जो है उसे पहुंचाइए आप यहां पर। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं लगातार, नॉन स्टॉप मैं आपके लिए बोल रहा हूं लास्ट 30 मिनट से। इसी तरह से आप आज के इस लेक्चर को शेयर करिए टू द मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप, जहां पर भी आप कर सकते हैं, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इसका उत्तर भी आना शुरू हो चुका है और 22nd क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, कई स्टूडेंट सी बोल रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ए बोल रहे हैं, और जो ए बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय झंडे को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। और जो बी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको 24 जनवरी 1950, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है। और 24 जनवरी 1950, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से दो दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एंड जनगण मन नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया था। तो जनगण मन और वंदे मातरम को कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय झंडे को कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग को, 22 जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच कंट्री विल होस्ट 2020 ओलंपिक गेम्स, 2020 का ओलंपिक गेम जो है उसे कौन होस्ट करेगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहां पर चलिए रन कश्यप जी, जी इसी तरह से जाना चाहिए और एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। चलिए जॉनी मोरिया, दलजीत कौर, बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो चार क्वेश्चंस और रह गए, इसी के साथ टॉप 30 क्वेश्चंस जो है उसे हम खत्म करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रह गए। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और आज का शो बहुत ही ऑसम जा रहा है, आप सभी के साथ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत खूब। और इसी तरह से 2020 ओलंपिक को कौन होस्ट करेगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत खूब, यहां पर सभी का उत्तर आ रहा है और एग्जैक्टली द राइट आंसर इज टोक्यो जापान। टोक्यो जापान विल होस्ट 2020 समर ओलंपिक। तो यहां पर ओलंपिक गेम को 2020 में कौन होस्ट करेगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा, टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान। आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, डेविस कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या क्रिकेट। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या क्रिकेट, जल्दी से बताना है आपको और इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसी वजह से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं सभी के यहां पर व्यूज देखने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर, चलिए बहुत खूब, यहां पर चलिए बहुत खूब, यहां पर उत्तर आ रहा है। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी भी बोल रहे हैं लेकिन हॉकी इज नॉट द राइट आंसर, कोई ए बोल रहे हैं, फुटबॉल बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो सी बोल रहे हैं। और अब मुझे पता चला है कि कौन बनेगा करोड़पति में जो कंटेस्टेंट है वो ऑडियंस पोल के साथ क्यों जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो है ना वो बिल्कुल सही होती है और आप यहां पर बिल्कुल सही हो। टेनिस इज द राइट आंसर, 24 का राइट आंसर इज सी, दैट इज टेनिस। टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप, बहुत ही फेमस प्लेयर, बहुत ही महान खिलाड़ी जो डेविस के नाम पर, जो डेविस के नाम पर डेविस कप जो है वो मेन का मतलब देश के अंदर मुकाबला होता है और सिर्फ मेल प्लेयर्स जो है इसके अंदर खेलते हैं। डेविस कप के इक्विवेलेंट, डेविस कप के मुकाबले एक मुकाबला होता है जिसमें सिर्फ लड़कियां खेलती हैं, उसको बोलते हैं फेड कप, फेडरेशन कप। तो फेडरेशन कप बिल्कुल डेविस कप जैसा होता है लेकिन उसमें लड़कियां खेलती हैं और डेविस कप में लड़के खेलते हैं और डेविस कप इज रिलेटेड टू टेनिस, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। 25th, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन एन ऑस्कर, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, भानु थैया, ए आर रहमान, सत्यजीत रे या गुलजार। इन सभी को ऑस्कर मिल चुका है, ये चारों ऑप्शन को ऑस्कर मिल चुका है भारत की तरफ से, लेकिन आपको यह बताना है कि इनमें से पहला किसको मिला था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स हंस हंस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत गुड। यहां पर इसी तरह से हंसते हंसते हम सारी चीजों को सीख जाएंगे, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। और बार बार मैं आपको इरिटेट करने के लिए एक वर्ड जरूर बोलता हूं और वो वर्ड ये है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हम जो है जादुई आंकड़े के ऊपर पहुंच सके। और 100 शतक मारना किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी लगता है, तो
तो 100 के ऊपर ले जाइए, इस तरह से ज्यादा शेयर करिए। गौरव कुमार शर्मा जी और बहुत धीरेन्द्र चौधरी, कुमारन पिल्लई, अशोक सही, हिमबंधु बेहरा, शिखा महाता, काजल राणा, बहुत बढ़िया यहां पर सभी का पार्टिसिपेशन। 73 प्लस लोग अभी हमें देख रहे हैं, 27 और लेकर जाना है। 5 क्वेश्चंस रह चुके हैं, धड़ाधड़ शेयर करिए इसको। और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, 25th क्वेश्चन का राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। भानु अथैया, शी वॉज अ लेडी, भानु अथैया वॉज अ लेडी एंड शी वॉज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और इन्होंने गांधी मूवी, हॉलीवुड की मूवी थी गांधी, 1982 में आई थी, रिचर्ड एटन बोरो की वो मूवी थी, हॉलीवुड की वो मूवी गांधी मूवी 1982 में। और 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, ड्रेस डिजाइन करने के लिए, मेकअप बहुत अच्छा किया था इन्होंने, भानु अथैया। राइट आंसर ए आर रहमान और गुलजार साहब को 2009 में मिला था स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए, और 1991-92 में सत्यजीत रे को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर की तरफ से। तो 25th का राइट आंसर इज ए, भानु अथैया वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऑस्कर प्राइज जीता था। 26th की तरफ जाएंगे, विच वॉज द फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया, भारत की पहली कलर मूवी, रंगीन मूवी कौन सी थी, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। इंडिया, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या किसान कन्या, भारत की पहली रंगीन मूवी का नाम बताइए, फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया बताइए जल्दी से। और बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। और यहां पर जितने स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत बढ़िया, आप सभी यहां पर बहुत सही जा रहे हैं। और आपको बताना है कि 26th का राइट आंसर क्या है, विच वॉज द फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया, भारत की पहली कलर मूवी, रंगीन मूवी कौन सी थी। और चलिए चलिए बहुत बढ़िया, और यहां पर सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, लेकिन देखिए सी ऑप्शन, देखो यहां पर मैंने कंफ्यूज कर दिया आप सभी को, विच वॉज द फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो बिल्कुल गलत है, और यहां पर ये गलत ऑप्शन को आपने टिक कर दिया। मदर इंडिया वॉज द फर्स्ट मूवी जो ऑस्कर गई थी, देखिए ध्यान से सुनिए, मदर इंडिया पहली मूवी जो ऑस्कर गई थी, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूवी जो जो म्यूट मूवी थी, मतलब गूंगी मूवी थी, इसके अंदर कोई डायलॉग नहीं थे, मुद्राएं थी सिर्फ, आलम आरा पहली बोलती मूवी थी, और किसान कन्या इज द राइट आंसर। किसान कन्या वॉज द फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया, भारत की पहली रंगीन मूवी वॉज किसान कन्या, आलम आरा पहली बोलती मूवी, राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी ऑफ इंडिया 1913 में दादा साहेब फाल्के के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, राजा हरिश्चंद्र 1913, और मदर इंडिया वॉज द फर्स्ट मूवी जो ऑस्कर गई थी, और किसान कन्या पहली कलर मूवी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 27th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, वीरता का पुरस्कार, अगर युद्ध करते वक्त अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है या वीरता का कोई काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको बताना है कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, निर्मलजीत सिंह सेखो या अर्जुन सिंह, जल्दी से। कोई बात नहीं, सभी का यहां पर गलत हुआ है, यहां पर फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा है, कुछ और क्वेश्चन डालूंगा फंसाने वाले, अभी 3 क्वेश्चन पढ़े, देखते हैं कि कौन दिमाग लगाकर इसका आंसर देता है। लेकिन गूगल का इस्तेमाल नहीं करना यहां पर, और गूगल का बगैर इस्तेमाल किए हुए आपको आंसर देना है। और बहुत खूब यहां पर सभी का उत्तर आ रहा है, और सभी यहां पर राइट आंसर दे रहे हैं, और 27th का राइट आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा, तो 27th का राइट आंसर इज ए, दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा। बहुत खूब यहां पर 27th का बिल्कुल सही उत्तर आया है आप सभी का। और 28th क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, जमकर शेयर करिए, 78 प्लस लोग हमें देख रहे हैं, सिर्फ 22 लोगों की देर है, 100 पूरा हो जाएगा और आपके शर भी शतक मार लेंगे, 100 मार लेंगे। तो 28th, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू वॉन अ मेडल एट ओलंपिक, आपको बताना है पहले भारतीय का नाम जिन्होंने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर बच्चे बहुत फंसते हैं, जल्दी से बताइए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल, भारत के प्रथम व्यक्तिगत पदक जो था वो कब आया था और किसके द्वारा आया था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए यहां पर उत्तर आना शुरू हो चुका है, भारत को ओलंपिक के अंदर पहला व्यक्तिगत पदक किन्होंने दिलवाया था, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक, देखिए किसने दिलवाया था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। थैंक यू अमरजीत सिन्हा, और बहुत बढ़िया यहां पर उत्तर आना शुरू हो चुका है, और ज्यादातर जैसा मुझे उम्मीद थी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अभिनव बिंद्रा को टिक करेंगे, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं बिंद्रा को ही टिक कर रहे हैं, और जो बिल्कुल गलत है केडी जाधव, कुछ स्टूडेंट्स ने जरूर केडी जाधव का नाम लिखा है,
तो ब्रावो टू यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया यहां पर. केडी जाधव, कशावा जाधव इज द राइट आंसर. तो यहां पर क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए यहां पर क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू वॉन अ मेडल एट ओलंपिक्स. मैंने मेडल का कलर नहीं पूछा आपसे कि वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, नहीं, मैंने ये नहीं पूछा. 1928 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था इंडियन हॉकी टीम ने, और हॉकी इज अ टीम गेम, हॉकी एक टीम गेम होती है. लेकिन यहां पर मैंने पूछा पहला व्यक्तिगत मेडल किसने दिलवाया, तो पहला व्यक्तिगत मेडल ब्रॉन्ज आया था इंडिया को, पहला व्यक्तिगत मेडल ब्रॉन्ज. कांसे का पदक आया था 1952 हेलेंस्की ओलंपिक, केडी जाधव रेसलिंग कुश्ती की प्रतियोगिता में केडी जाधव ने 1952 के अंदर हेलेंस्की ओलंपिक के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. अभिनव बिंद्रा वाज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक के अंदर, तो यह बिल्कुल सही अभिनव बिंद्रा, लेकिन यह नहीं है. और सुशील कुमार का नाम, सुशील कुमार इकलौते ऐसे इंडियन है जिन्होंने दो मेडल जीते हुए, दो मेडल सिल्वर और ब्रॉन्ज, दो मेडल जीतने वाले इकलौते व्यक्तिगत खिलाड़ी सुशील कुमार. अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्तिगत खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और केडी जाधव पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय. मिल्खा सिंह को कोई ओलंपिक पदक नहीं मिला था, वो वहां पर 1960 रोम ओलंपिक के अंदर चौथे स्थान पर रहे थे, कांसे के पदक से चूक गए थे. तो यहां पर 28 का राइट आंसर इज केडी जाधव, तो यहां पर बिल्कुल. चलिए और 29 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. ईडन पार्क स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच कंट्री. शायद ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मैंने. ईडन पार्क स्टेडियम जो है वो कौन से देश में स्थित है, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका. चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर मैं हिंदी में ही ट्रांसलेट कर रहा हूं सभी क्वेश्चंस को. और मिल्खा जी 1960 रोम ओलंपिक के अंदर चूक गए थे पदक से, चौथे स्थान पर रहते. मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी भी आई थी, मिल्खा सिंह बहुत अच्छे धावक थे लेकिन पदक नहीं जीत पाए थे वो ओलंपिक में. बाकी बहुत सारे पदक उन्होंने जीते, ओलंपिक में पदक नहीं जीता उन्होंने. और यहां पर अश्विन जी बहुत बार आपका नाम ले लिया, और मैंने बोला भी है कि कुछ स्टूडेंट्स का आंसर बहुत सही है और उनको मेरी तरफ से ब्रावो, तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं. और अश्विन जी जो बिल्कुल सही है, और यहां पर आप सभी का उत्तर जो है अलग अलग उत्तर आ रहा है. कई स्टूडेंट्स बी बोल रहे हैं, कई सी बोल रहे हैं. और जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया, जिसमें अमित का नाम मैं लूंगा, अमित और अश्विन बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया. मुझे पता था यहां पर फंसने वाला यह क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इसका उत्तर सही दे रहे हैं. न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर. देखिए फंसा दिया ना मैंने आपको यहां पर. इंडिया मुझे पता था. ईडन गार्डन इज सिचुएटेड इन इंडिया, कोलकाता में ईडन गार्डन का बहुत फेमस स्टेडियम है. लेकिन ईडन पार्क स्टेडियम इज सिचुएटेड इन न्यूजीलैंड. तो काफी स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया था, बहुत अच्छा उत्तर दिया सभी ने इसका उत्तर. तो ईडन पार्क स्टेडियम जो है वो कहां पर स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है. और ईडन गार्डन कहां पर स्थित है, कोलकाता इंडिया में स्थित है. तो देखिए दोनों का फर्क जो है वो पता लग गया होगा आपको. ये बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है. और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम. हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भारत के पहले विदेश मंत्री का नाम बताइए, भारत के पहले विदेश मंत्री का नाम बताइए. बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल. 30th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत के पहले विदेश मंत्री का नाम. चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर बहुत खूब यहां पर उत्तर आ रहा है. देखिए एग्जाम के भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मेक माई एग्जाम के ऊपर हम सभी आपको बताने के लिए जरूर आएंगे. और एग्जैक्टली बिल्कुल जिनका जिनका राइट था सभी को बहुत बहुत बधाई हो. और यहां पर अगले क्वेश्चन का भी आंसर जो है आना शुरू हो चुका है. लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही उत्तर सभी का, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का सही उत्तर है. कुछ अलग अलग ऑप्शंस भी टिक कर रहे हैं, मैं ज्यादातर के साथ हूं क्योंकि यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है अकेले का नाम नहीं बता सकता कि कौन सही है कौन गलत है. तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं. और 30th क्वेश्चन का राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. तो भूल जाइए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे, हु वॉज द फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू थे. और अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर भी है, सबसे ज्यादा देर तक विदेश मंत्री रहने वाले यही विदेश मंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू. बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे. तो ये सभी की मिनिस्ट्री मैंने बता दी आप सभी को. इसी के साथ टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं. अगले लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे आप सभी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद.